कि जिस दिन बहुजन जाग जाएगा उस दिन इस तरह के आरक्षण विरोधी रोड छोड़ के भाग जाएंगे, रोड छोड़ के भाग। और ये तो 2019 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने समर्थकों द्वारा ये करवाया जा रहा है, भाजपा और जदयू के समर्थकों द्वारा करवाया जा रहा है, और इसका कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। केवल एक 2 अप्रैल के बाद तीसरी बार ये बंद कराया गया है भारत बंद इनके द्वारा। और पक्षपात लोग समझता नहीं है कि करनी सेना जब राजस्थान में न्यायालय पर जाके झंडा लगा देता है तब आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और भीम सेना का, भीम आर्मी का जो हमारा बच्चा है ये चंद्रशेखर को आप इसलिए केवल बंद करके रखे हैं कि उसके ऊपर आरोप है कि ये जातीय उन्माद पैदा कर रहा था, और आज तक जेल में बंद करके रखे हैं। तो इस सब से एक मैसेज बहुत खराब जा रहा है, और इससे और दलित आदिवासी बहुजन समाज में काफी, एक तो यह बात स्पष्ट है कि हर को इस डेमोक्रेसी में आजादी है अपनी मांग रखने का, आंदोलन करने का, लेकिन अगर कोई नेता या उदय नारायण चौधरी हो या कोई विपक्ष के नेता हो, अगर वो इस तरह की बात करते हैं वो तो बिहार और देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये लड़ाने वाली बात हो गई है।